मिलना था ना अगल मां, इतनी खामोशी, ये आखिरी वार्निंग है। वो कह रहा है उसे इसी वक्त मुझसे मिलना है। क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आ सकती हो? मुझे 20 मिनट लगेंगे। ठीक है ठीक है, बस आ जाना। चलो आखिरी बार कोशिश करके देखती हूँ, मैं उससे मिलकर रिक्वेस्ट करूंगी। मुझे उम्मीद है वो मान जाएगा, लेकिन मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। तुम भी चलो ना बाहर ऑटो रिक्शा में, मेरा वेट करना। अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम आ जाना। तुम्हारे भाई को साथ ले चले। अगर उसने मेरे पति को सब कुछ बता दिया तो? वो कह रहा है उसे इसी वक्त मुझसे मिलना है। क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आ सकती हो? ओफो, मेरे पति का फोन है। अभी मत उठाओ। हाँ। अगर परेशानी में तुमने सब कुछ बता दिया तो कट कर दो। अरे स्विच ऑफ क्यों किया? एक ऐसा दिया जो मेरे घर को रोशन करने आया है। अब अगर एक बार भी मुझे दिया कहा ना तो जोर का थप्पड़ मारूंगी। मैं तुमसे यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ और मैं तुम्हें यहाँ आखिरी बार वार्निंग देने आई हूँ। अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। महीनों तक बेड पर पड़े रहोगे। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है गलमा, खासकर तुम्हारे पति से तो मुझे बहुत डर लगता है। तुमने कहा था ना पुलिस वाले सिर्फ फिल्मों में बहादुर होते हैं, असल जिंदगी में तो डरपोक होते हैं। उन्हें मीडिया का डर होता है, पड़ोसियों का डर होता है कहीं वो एक्सपोज न कर दे, अपने दोस्तों से पूछे बिना वो अपना कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो इतनी जल्दी पुलिस एकदम से बहादुर कैसे बन गई? नजदीक मत आओ, अगर मुझे हाथ लगाया तो। तुमने मुझे चोर कहा था ना, तो क्यों ना थोड़ी चोरी कर ही लो। प्लीज, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज, गिड़गिड़ाना पुलिस वाले की बीवी पर नहीं जमता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेलो, कहाँ हो तुम? शॉपिंग करके घर की तरफ जा रही हूँ। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सिग्नल थोड़ा वीक है, घर पहुंचकर फोन करती हूँ। ओके। अरे आइए आइए सर, आइए, धन्य भाग हमारे जो अब हमारे घर पधारे। आइए सर, आइए बैठिए, नमस्ते, बैठिए। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मना कैसे करता। आप लोगों ने तो मेरी लुटिया डुबो दी सर, अब मेरी क्या औकात। ओह, मैंने ही तो उसे वो पोज दिलवाई थी, थोड़ा पागल है पर मेरा कहना मान लेगा, समझो आपका काम हो गया। अहो भाग्य। सर, बहुत लंबे वक्त से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। पूछो ना। आप ही ने मेरे वो 10 करोड़ लिए थे ना। कौन से पैसे की बात कर रहे हो? वही पैसे जिनकी वजह से मेरी पोस्ट चली गई। नहीं नहीं, तुम्हें तो इसलिए निकाला गया है क्योंकि तुम्हारा दूसरी पार्टी के मेंबर के साथ रिलेशन था। पुलिस वाले कभी भी अपनी जबान से ये नहीं बोलते कि उन्होंने रिश्वत ली है। सर, एक्स मिनिस्टर कह रहा है कि हमने उसके 10 करोड़ रुपए लिए जो उसने कार की डिग्गी में रखे थे, तुम्हें कोई जानकारी है? पता करता हूँ सर। मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा, अर्जेंट हो तो भी। ठीक है। कुछ लोग मेरे बारे में पूछेंगे और तुम सेल्वम नाम के आदमी से कभी नहीं मिले, समझ गए? अच्छा, तुम मुझे अपनी पत्नी और उनके भाई से मिलवाते क्यों नहीं? जरूरत नहीं, उनसे ज्यादा मैं तुम पर यकीन करता हूं।
अरे भाई 10 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया है। ए, अभी 20 किलोमीटर तक जाम लगेगा, क्या कर लोगे? ए, रोड तेरे बाप की है जो जाम रखेगा? ये जाम हटाकर दिखाओ फिर पता चलेगा। देखिए आम जनता को तकलीफ हो रही है, प्लीज। अरे लाठी चार्ज का ऑर्डर काहे दे दिया? मरने वाला ऊंचा कम्युनिटी का है। सर मेरा सस्पेंशन कैंसिल करा सकते हैं? 10 लाख लगेगा, रिपोर्ट तुम्हारा पक्ष में लिख देंगे। सर मैं ईमानदार हूँ। हम ईमानदार नहीं है का? सर इतना पैसा कहाँ से दूंगा? वैसे तो एक इंस्पेक्टर साल भर में लगभग 10 कमाता है, 10 करोड़, उसमें से 10 भी नहीं दोगे? सर आप नाटक बंद करिए, आप ईमानदार हैं ये दिखाने के लिए लोन ले रहे हैं। तुम कह रहे हो मैं ईमानदार हूँ तो पैसे वापस कैसे करोगे? याद है मैंने तुम्हें एक मारवाड़ी के बारे में बताया था? वही है ये, जो ऑफिसर मुश्किल में होते हैं उनकी मदद करते हैं ये। आपने तो कोई डॉक्यूमेंट भी साइन नहीं करवाया। डॉक्यूमेंट से क्या मैं मुंह पोछूंगा? हमारे बिजनेस में जबान की कीमत होती है। ये बिजनेस भी विश्वास पर ही चलता है। मतलब इस महीने आराम करना है? ज्यादा लालच करने वाले ही पकड़े जाते हैं, जो थोड़े में खुश हैं वो बच जाते हैं। 6 महीने के लिए शटर बंद। समझ गया, तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप है। हेलो मैडम, लोन चाहिए? लोन वाले का फोन है ना? नहीं माँ, मेरी दोस्त है मैथी। फेसबुक पर नहीं आई, ठीक नहीं किया। आज जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब मैं तुम्हारा टॉर्चर नहीं सह सकती। हाँ जरूर बता दो, नहीं तो मैं बता दूं अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा हो तो। पहले मैं तुम्हें पोस्ट करने के लिए टॉर्चर करता था ना, चिंता मत करो, इस बार मैंने पोस्ट किया है। अपना पर्सनल मैसेज चेक करो, देखो और बताओ कैसा लगा। तुम्हारे पति को फॉरवर्ड कर देता हूं, बहुत अच्छा लगेगा उसे। मैंने वीडियो के एक एक फ्रेम को रोक के देखा तो देखने में लग रहा है कि हम बहुत मजे कर रहे हैं। अगलमा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा फैन हूं। मैं तुमसे भीख मांगती हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैंने अभी उससे व्हाट्सएप पे बात की। अच्छा, तुमने पूरे घर में कैमरे लगाए हैं? अगर तूने एक बार भी उसे फोन किया ना तो भले मेरी नौकरी चली जाए, तू जिंदा नहीं बचेगा। एक बात कहूं बॉस, तुम्हारी वाइफ के लिए तुमसे कहीं बेहतर तो मैं हूं। तुम 4 साल तक रिलेशनशिप में थे और अब 1 साल शादी को हो गए, लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी वाइफ को क्या पसंद है? क्या तुम्हें उसकी 7वीं क्लास की टीचर का नाम पता है? क्या तुम्हें पता है कि उसे बारिश के वक्त कौन सा गाना सुनना पसंद है? क्या तुम्हें पता है कि पूरे चेन्नई में उसका सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है? क्या तुम्हें पता है कि आधी रात को वो कहां से आइसक्रीम खाना पसंद करती है और कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है उसे? क्या तुम्हारे पास उसके बचपन का फोटो है जिसमें वो बॉक्सर पहन के अपनी साइकिल चला रही है? मेरे पास है, क्योंकि मैंने वक्त दिया है और अच्छे से समझा है, लेकिन तुमने सोने और खाने के अलावा किया ही क्या है? जब तुम इतना सा काम नहीं कर सकते तो फिर पति क्यों बने बैठे हो? उसे छोड़ दो और दूर चले जाओ। वेट बॉस, वेट वेट वेट। आह!
खाना खाने के पहले सिर्फ जानवर ही खाने को सूंघते हैं, इंसान को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तू जानवर है और मैं इंसान। मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे क्या? बोल, अभी पूरी करता हूं। मरने से पहले एक वीडियो देखने दो। ये पहला शो थोड़ी था, ये तो 92वां शो था। घबराहट में कहीं मुझे शूट मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी बीवी मुंह नहीं दिखा पाएगी। स्विस बैंक में सिर्फ पैसे नहीं रखे जाते, उनके पास डेटा सेव करने का भी लॉकर है। मैंने वहीं सेव किया है। हर महीने उसे रिन्यू करने के लिए मेरा जिंदा होना जरूरी है, और अगर मैंने वो मिस कर दिया तो ये अपने आप 3 करोड़ वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। सोचो अगर ये सारी दुनिया को पता चल गया तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी। अगर तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारी ताकत है तो मेरी ताकत है कीपैड। कैमरा तुम्हारे बाथरूम में लगाया है जो जवान और बुजुर्गों में फर्क नहीं करता। न जाने क्या क्या देखना पड़ा तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ। ये सब हंसने के लिए किया है बॉस। मार डालो मुझे। क्या तुम्हारा परिवार शर्म से मरने के लिए तैयार है?